टीचर्स, तमाम स्टूडेंट्स और जितने भी यहाँ पर लोग हैं, और फहीम भाई सबको अस्सलाम वालेकुम, और जिन बच्चों के वालदैन यहाँ पर हैं उनको भी बहुत बहुत सलाम, और जिन बच्चों ने पोजीशंस हासिल की हैं और जो जिनको पोजीशंस नहीं भी मिली उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं फहीम भाई नाम तो एक्चुअली जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, इनका कहना जो है वो हुक्म होता है हमारे लिए। मुझे ये भी नहीं पता था कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, बट आमरीली डिलाइटेड, मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आकर इस जगह पे इन तमाम बच्चों के साथ ये जितना भी टाइम गुजार कर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा बच्चों से तो नहीं, जो हमारे टीचर्स हैं और आप तमाम लोगों से, कि जो ये आप तालीम दे रहे हैं, दुनियावी तालीम दे रहे हैं, कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ हमें इस माशरे की जो डाइवर्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर ये तमाम टीचर हज़रात, इन बच्चों को डाइवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट करने का फ़न और इल्म ज़रूर दें। और डाइवर्सिटीज़ क्या है हमारी, कि आज इस मुल्क में, इस माशरे में हर तरह के लोग हैं, हर ज़ुबान के बोलने वाले हैं, हर मज़हब के लोग हैं। तो हमें इन बच्चों को इस उम्र से ही हमें ये सिखाना चाहिए कि एज ए इंसान सबको एक्सेप्ट करें, चाहे कोई किसी का कोई मज़हब हो, कोई मसलक हो, कोई ज़ुबान हो, कोई किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब, ज़ात पात से ताल्लुक़ रखता हो, हम सबको इस अल्लाह ताला की बनाई हुई सारी मखलूक है, हमें इन सबको एक्सेप्ट करके इस तमाम फूलों को एक जगह जमा करेंगे तो एक गुलदस्ता बनेगा। और अगर पाकिस्तान में आज अगर कोई किसी चीज़ की वाहिद कमी है जिससे पूरा पाकिस्तान सही हो सकता है, तो ये एक्सेप्टेंस है कि हम इस चक्कर में ना रहें कि हम सारे हिंदुओं को जो है मुसलमान कर लें, हम इस चक्कर में ना रहें कि सारे सुन्नियों को शिया कर लें, सारे शियाओं को सुन्नी कर लें, देवबंदियों को बरेलवी कर लें, बरेलवियों को जो है देवबंदी कर लें, एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी वाले को सारा, ये नहीं होने वाला। ये इसी तरीके से सब कुछ जो है चलेगा, जो जहाँ जिस तरीके से है उसको एक्सेप्ट करना, करवाना, सिखाएं। और हम लोगों में तो आ गया है वायरस, हम लोगों में अब जो है वो इस जनरेशन को अब नहीं है, शायद हम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बच्चे हैं जिनको आज आप तालीम दे रहे हैं, इल्म दे रहे हैं, ये है हमारा फ्यूचर, ये है हमारी होप। खुदा ना खास्ता ये वायरस हमारी जनरेशन से पेनिट्रेट करके इस जनरेशन को चला गया, तो ये सब कुछ, ये जो इल्म दे रहे हैं दुनिया भी, आप जो डिग्रीज ये दे रहे हैं सारे, आप और जो ये और लेंगे सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर यही नहीं होगा, होगी ये इल्म, ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तो भले ये डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो डॉक्टर भी आज शहर में मारा जा रहा है, इंजीनियर के जो ज़्यादा पढ़ लिख गया है, जो ज़्यादा जिसका नाम है वो ज़्यादा कार्ड देकर फिर रहा है। हमेशा मैं मिसाल देता हूँ, अदीब रिजवी साहब के साथ बहुत टाइम गुजारते हैं, अदीब रिजवी एक बहुत बड़ा नाम है इस दुनिया का, मुल्क का नहीं, दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। अदीब रिजवी जो है वो अगर लोगों को शायद इजाज़त हो तो पता नहीं उनको पूछना शुरू कर दें, वो इस तरह के मसीहा हैं, वो आम आदमी, गरीब आदमी, जिसको कोई जिसको होप नहीं होती, तो उस तरह की का आदमी है, उस तरह के आदमी को भी इस माशरे में आज जहाँ पर वो इंसानी जानों को बचाता है, उसको आज जो है वो सिक्योरिटी गार्ड टेक के साथ जो है घूमना पड़ता है, शहर में आना जाना पड़ता है, अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड रखनी पड़ती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ याद ये कर रहा हूँ कि आप उनकी सारी तालीमात की तमाम जो स्केजुअल हैं उसमें से, उन स्केजुअल में से जो वो आधे घंटे का लेक्चर, आधे घंटे की क्लास, और तमाम क्लासों में ये 5 मिनट का ये लेक्चर बच्चों को ज़रूर दें कि उन्होंने सबको एक्सेप्ट करना है, चाहे किसी को किसी रंग, नस्ल, ज़ात, मज़हब से जिसका भी ताल्लुक हो, वो उसके अपने घर में प्रैक्टिस उसको एक्सेप्ट करें, अपना मज़हब छोड़े नहीं, अपनी ज़ात, अपनी जो है वो अपना मसलक छोड़े नहीं, और किसी के दूसरे के मसलक को, ज़ात को, कौमियत को टच ना करें, उसको डिस्टर्ब ना करें। ये होगा तो इंशाल्लाह ताला ये मुल्क जो है वो बहुत अच्छा गुलदस्ता बन जाएगा। और इंशाल्लाह ताला ये तमाम बच्चों से जो है वो सब लोगों से आप आसाया जक्राम से, और सबसे बड़ी उम्मीद है। और मुझे अभी बहुत बड़ा ब्रीफ सा इंट्रो जो है मुझे फहीम भाई ने दिया, आप जो काम कर रहे हैं भाई, बहुत मुबारक हो आपको, आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं इस छोटी सी जगह पे, आप जिस फीस पे काम, बच्चों को 50 रुपये और कहीं आपकी जो और स्कूल है वहाँ पर कोई फीस भी नहीं है, मुझे बता रहे थे फहीम भाई, ये कार्य खैर
और यकीन जाने कि इन्हीं गलियों से मैं ग्रामर और सिटी के स्कूल के बच्चों को नहीं क्रिटिसाइज कर रहा या खुदा खास्ता मुझे कोई जिनके पास ज़्यादा माँ बाप ने के पास जितने ज़्यादा पैसे हैं जिनके वो वहाँ भेजते हैं, लेकिन आप यकीन जानिए कि दुनिया में जो ट्रेंड सेटर्स निकले हैं, दुनिया में जो चेंज एजेंट निकले हैं, सारे उसी तरह के गली कूचों से और मोहल्लों से निकले हैं। हमने भी जो है पीले स्कूल और काले स्कूल में ही तालीम हासिल की है। चेयर और कुर्सियों पर बैठ के गलियों में बैठ सकते हो, साथ क्योंकि हासिल किया थोड़ा बहुत वो हमने इस तरह से ही हासिल किया। हम भी किसी ग्रामर और सिटी स्कूल में नहीं गए, ग्रामर स्कूल वाले ये हैं जो आपके सामने जो मैं इतना पढ़ ठीक है। तो यानी मुझे बहुत खुशी है आपके साथ से आप ये टाइम गुजार कर, और विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपको जो है वो और हिम्मत दे और हौसला दे। थैंक यू वेरी मच।